किसी को गंजेपन की शिकायत है, किसी को बाल झड़ने की शिकायत है। कई लोग अपने बालों को लंबा, मोटा, घना करने के लिए हजारों रुपए के तेल खरीदते हैं, टैबलेट्स खरीदते हैं, कितने सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, PRP, ये वो पता नहीं। ये वो लोग करते हैं या तो जिनके पास बहुत पैसा होता है या फिर नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो ये दोनों चीज़ मैं आपके लिए होने नहीं दूंगी। ज्ञान, नॉलेज आपको इतनी भरपूर मिलेगी यहाँ से, घर बैठे नेचुरल चीज़ों से आप अपने बालों को घर पे ही कैसे लंबा भी कर सकते हो, मोटा भी कर सकते हो, घना भी कर सकते हो, गंजापन दूर कर सकते हो, बालों के झड़ने को रोक सकते हो, बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके अपने बालों को नेचुरली थिक, वॉल्यूमिनस और लेंथी बना सकते हो। सवाल आता है कैसे? एक तो होता है बालों का झड़ना और दूसरा होता है बालों की ग्रोथ रुक जाना, बालों की ग्रोथ फिर से नहीं होना। ये जो हमारे नेचुरल जो चीजें होती है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों का झड़ना रोक सकते हैं, जैसे कि कड़ी पत्ता। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके बालों को मोटा और घना कर सकते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, ठीक है। लेकिन कुछ ही ऐसी चीजें होती है जो ये दोनों चीजें आपको एक साथ दे सकती है, यानी कि बालों का झड़ना भी रोक सकती है, न्यू हेयर ग्रोथ दे सकती है, बालों की जो थिकनेस होती है वो बढ़ा सकती है, बालों की डेंसिटी आपकी बढ़ा सकती है, आपके बालों को मोटा कर सकती है, वॉल्यूमिनस कर सकती है। ये सारी खासियत एक चीज में है जो आपको बहुत रुलाती है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वो है प्याज। यस गाइस, प्याज का रस अगर आप अपने बालों में लगा लोगे ना, इससे बेहतर शायद ही आपको कोई रेमेडी मिलेगी। चाहे मिनोक्सिडिल लगा लो या उसके जगह पे प्याज का रस लगा लो, आपको सेम, इनफैक्ट उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आप बार बार प्याज का रस निकालना, बनाना, लगाना, वॉश करना, फिर उसकी बदबू, ये सब सहन नहीं कर पाते हो, सबसे पहले तो मैं आपको सही तरीका बता रही हूँ आज अनियन ऑयल, प्याज का तेल बनाने का और उसको यूज करने का, और इसके रिजल्ट्स आप तो मुझे बताओगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गाइस, मेरे बाल जो है वो बहुत ज्यादा झड़ रहे थे बिकॉज ऑफ PCOD, बिकॉज ऑफ वेट लॉस। मैं खुद भी तकरीबन गंजी ही होने वाली थी। ऐसे में मुझे पता है कि क्या करना चाहिए, तो मैंने अपने बालों के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा यूज़ करना शुरू किया और विद इन फोर वीक्स आप देख सकते हो मेरे बाल जो है वो, उसकी जो डेंसिटी है, एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगी कि थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, थिकनेस भी थोड़ी बहुत बड़ी है इंडिविजुअल हेयर स्ट्रैंड की, लेकिन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ एक एरिया में मेरे 10 स्ट्रैंड्स होते थे, वहीं एरिया में आज मेरे 40-50 स्ट्रैंड्स है, उतने ही सेम एरिया में, मतलब मेरे बालों की डेंसिटी ज्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से मेरे बाल अब मोटे भी लगते हैं, थिक भी लगते हैं, पहले से ज्यादा। मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा मेरे बाल मोटे हैं, ऐसा है वैसा है, नहीं, मेरे पहले से ज्यादा डिफरेंस है। ये इफेक्टिवनेस मुझे मिला है ये सुपर्ब अनियन के, प्याज के तेल से गाइस, जिसको मैंने बना के यूज़ किया है। ये सेम रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से बनाने जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सारे आपके घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे आपको ट्रीटमेंट्स कराने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बस ये ऑयल लगाओ अपने बालों में, बस हाँ कि कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, ये मेरी एक चीज़ आपको बोलूँगी, कंसिस्टेंटली अप्लाई करो अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो अपने लिए बालों के लिए यूज़ करती हूँ वो मेथी और कलौंजी तो है ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है कलौंजी, तकरीबन 2 चम्मच मैं यहाँ पे कलौंजी की ले रही हूँ, फिर आपको लेना है मेथी दाना, फिर आपको लेना है कड़ी पत्ता। ये तीनों से अगर आप बना रहे हो तो इसका सही तरीका मैंने शेयर किया, इसको आप देख सकते हो, लेकिन उससे भी 100 times ज्यादा इफेक्टिव ये ऑयल है गाइस, क्योंकि इसमें प्याज गिरता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 3 चीज लेनी, उसके अलावा मैंने इसमें एक और चीज डाली थी, वो था अदरक, जिंजर, ठीक है, क्योंकि जिंजर आपके बालों को, आपके फॉलिकल्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो न्यू हेयर ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है, तो इसलिए जिंजर आपको लेना है इसके, ये 3 चीज के अलावा। अब आपको क्या करना है, प्याज जो है वो एकदम छोटे छोटे वाले लेने, बड़े बड़े प्याज नहीं लेना, छोटे छोटे इस तरीके, इतने साइज के लेना है, इसको अच्छे से छील लेना है, कट वगैरह कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है, ठीक है, सिर्फ आपको इसका छिलका निकाल लेना है, इसको साइड में रखें, इसमें से सिर्फ 1 से 2 प्याज आपको लेना है, उसको बारीक आपको अच्छे से कट कर लेना है, ये अलग जाएगा और ये अलग जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पैन में तकरीबन 300 ml जितना कोकोनट ऑयल लेना है, आप यहाँ पे कोई भी ऑयल ले सकते हो, तिल का तेल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना क्योंकि गर्मी का ऑलरेडी मौसम आ रहा है तो ये और ज़्यादा गर्म होगा आपके लिए। कोकोनट ऑयल सबसे बेहतर काम करता है मोस्ट ऑफ दी हेयर टाइप्स के लिए, और ये आपके शाफ्ट में भी पेनिट्रेट हो पाता है, तो अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ये कोकोनट ऑयल। आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, इसके फैटी एसिड्स आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करते हैं, आपके बालों में प्रोटीन भी देते हैं, जिससे आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। अब यह ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे, उससे पहले आप क्या करें, जो इंग्रेडिएंट्स हमने लेके रखे थे उसको आप क्या करें, एक मिक्सर जार में डालें सारे इंग्रेडिएंट्स को, प्याज को छोड़ के, और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड
कर ले, बारीक अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद में जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब आप इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने कट करके प्याज रखा था वो इसमें डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे जब तक प्याज जो है वो पहले से ट्रांसलूसेंट हो जाए, पिंक हो जाए। उसके बाद में जो पिसी हुई हमारी सामग्री है उसको इसमें डाल देंगे, पकाएंगे पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे। उसके बाद में ये भी डार्क ब्राउन हो जाए, इतना हो जाए। उसके बाद में ये ऑयल, अब क्या करना है आपको, ये ऑयल को आपको निकाल लेना है गैस से, इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद में आप क्या करें, जो प्याज जो गोल गोल हमने इस तरह से कट करके रखे हैं ना, उसको आप धीरे धीरे इसमें छोड़ दे जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको गैस पे रखना है, धीमी आंच पे इसको पकने देना है, धीमी आंच पे पकने देना है, पकने दे जितना हो सकता है। आप इसको पकने देना चाहते हो पकने दे, पकने दे, पकने दे। ये जो ऑयल है इसमें मेथी, कलौंजी, करी लीव्स, जिंजर की तो गुडनेस है ही, प्याज की भी गुडनेस है, लेकिन ये जो अनियन जब आप इस तरह से इसको पकाओगे ना, इसमें ये धीरे धीरे जो इसका कंटेंट रिलीज करता है इस ऑयल में, उसका जो नेचुरल जो गुडनेस है ना वो इसमें मेंटेन रहती है। और जब आप इसको अपने बालों में अप्लाई करोगे ना तो इससे आपको दुगना रिजल्ट मिले, इसी से मिलता है। इसीलिए इसको अच्छी तरीके से आप क्या करें, पकने दीजिए, ठीक है। इसका कलर जो है हल्के से इस तरह से ब्राउन होते जाना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके अगर आप पका सकते हो, एकदम भी ज़्यादा नहीं पकाना है और एकदम भी कच्चा नहीं रखना है, इस तरह से पकाए। उसके बाद में आप गैस को बंद कर दीजिए। अब क्या करें, इसको ठंडा करके एक जार में निकाल लीजिए, एयरटाइट कंटेनर में किसी में भी निकाल लीजिए, और इसको धूप में रखें। अगर आपके पास धूप में रखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो प्याज को थोड़ा सा और पका लीजिएगा, जितना मैंने पकाया उससे ज़्यादा ब्राउन कर लीजिएगा, इस तरह से कुछ, ठीक है। और अगर आपके पास मतलब जैसे धूप में अगर आप रख सकते हो, 2-4 दिन के लिए अगर आप धूप में रख सकते हो तो इतने में आप निकाल सकते हो, और उसको धूप में रखें 2 से 4 दिन के बाद में आप इसको अपने बालों में लगाना शुरू करें। गाइज, इसकी जो तासीर है, इसका जो गुडनेस है, मैं बयां भी नहीं कर सकती। ये इतना ज़्यादा आपके बालों की ग्रोथ के लिए पावरफुल है। बालों का झड़ना तो आप भूल ही जाओ। अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हो तो ये ऑयल लगाने से एक बार में नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 एप्लीकेशन में आप देखोगे आपके बालों का झड़ना 99% तक रुक गया है। थोड़े बहुत तो हर किसी को होते हैं और वो होने भी चाहिए, ठीक है। निकलते रहेंगे तभी तो न्यू स्ट्रैंड्स आएंगे आपके बालों के। और रही बात न्यू हेयर ग्रोथ की, अगर आपके बालों की ग्रोथ स्टॉप हो गई, हो नहीं रही है, लेंथ बढ़ नहीं रही है, तो ये आपकी जो ऑलरेडी हेयर है उसकी ग्रोथ को बूस्ट करेगा। तो आपकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होने लगेगी ये ऑयल से। ये सिर्फ एक चीज का कमाल है, प्याज तो है इसमें प्रेजेंट सल्फर, वही सेम गुडनेस आपको जिंजर से मिलती है। जिंजर में भी ब्लड सर्कुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो मिलती है, मेथी से मिलती है, कलौंजी से मिलती है। ये सारे एक साथ जब आपको बेनिफिट्स देगा ना तो बालों का झड़ना तो रुकता ही है, लेकिन अगर आपके कहीं पे गंजापन है, कहीं पे आपको हेयर ग्रोथ नहीं है, बाल ही नहीं है वो जगह पे, तो आप क्या करें, उस पर भी उसको लगाएं और हल्के से मसाज करें। हाँ, मसाज इसमें बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं है, हल्के से अपने हाथों से, अपने फिंगर टिप से बस आपको मसाज करें ताकि वो एरिया आपकी सर्कुलेट होने लगे, बूस्ट होने लगे वहाँ पे सर्कुलेशन। तो जब ये होता है तो आपके बालों की न्यू ग्रोथ वो जगह पे जहाँ पे हेयर नहीं है वहाँ पे भी दिखने लगती है। और अगर आपकी एरिया बहुत बड़ी है जहाँ पे हेयर नहीं है तो डर्मा रोलिंग करो और उसके बाद ये ऑयल अप्लाई करो। मैं बोल ही नहीं सकती कि इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट भी होगा। डर्मा रोलिंग करके अगर आपने ऑयल अप्लाई किया तो 110% आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों का उगना तय ही तय है, ठीक है। बस इसको अगर आप नहीं भी करना चाहते हो डर्मा रोलिंग, तो अपने हाथों से इस तरीके से मसाज करें, हल्के से मसाज करना, ज़्यादा नहीं। न्यू हेयर ग्रोथ भी दिखेगी बालों की। जो मेरे साथ हुआ है वो है मेरे बालों की डेंसिटी बढ़ी है। जहाँ पे मेरे 10 बाल होते थे वहीं पे आज मेरे 40 और 50 बाल है, जिसके वजह से मेरे हेयर जहाँ पे इतने दिखते थे अब वहाँ पे इतने दिख रहे हैं। तो इसी वजह से ये होती है बालों की डेंसिटी। तो बालों की डेंसिटी भी बढ़ी है, बालों में वॉल्यूम आया है, थिकनेस जो है वो पहले से मैं ये नहीं बोलूंगी कि डबल हो गई है, लेकिन हाँ थोड़ी सी इंप्रूव थिकनेस भी हुई है, लेंथ भी जो है वो बहुत बढ़ गई है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ अपने बालों को, इनफैक्ट इतना भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे मैं यहाँ तक फिर से मैं हेयर कट करने वाली, और मैं बालों को अपने यहीं तक सीमित रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे इतना ही पसंद है। सबकी चॉइस अलग अलग होती है गाइस, तो अगर कोई लंबे बाल चाहता है तो इसको आप जितना यूज कर सकते हो करें। आपके बालों की ग्रोथ लंबी होती रहेगी, घनी भी होती रहेगी, थिक भी होते रहेगी, डेंसिटी भी बढ़ते रहेगी आपके बालों की। बस इसको एक ट्रस्ट रख के यूज़ करना। ये कमाल की रेमेडी है, इफ़ेक्टिव है। ये मेरी नहीं है गाइज, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की खासियत है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। घर बैठे बिना पैसे खर्चा किए, अगर शौक है आपको जाके ट्रीटमेंट्स करवाने का, पैसे खर्चा करने का, तो डेफिनेटली करें। उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके बाद आके इसको ट्राई करें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। घर में बना के रखे, बस सिंपल सा तो ऑयल है। जब भी आपको मसाज करना होता है, लेना है, अपने बालों में लगाना है, आपके बालों के झड़ने से,
जो भी सारे बालों की जो प्रॉब्लम से आप परेशान हो, इनफैक्ट मेरे ख्याल से हर घर में ऐसे लोग हैं जो बालों की प्रॉब्लम से परेशान है। नॉर्मल महंगे ऑयल की जगह, ट्रीटमेंट्स की जगह बस आपको ये ऑयल लेके मसाज करनी, बालों की सारी प्रॉब्लम से आप दूर हो गए। और क्या और क्या चाहिए आपको, बस ये सिंपल सा ऑयल एक बार जरूर आपको ट्राई करना और अपने रिजल्ट्स प्लीज नीचे आके कमेंट बॉक्स में आपको जरूर शेयर करना है। इतने बड़े रेमेडी के लिए, इतने बेस्ट रेमेडी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, जितना पॉसिबल है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अच्छी अच्छी रेमेडीज जानने के लिए, घर बैठे अपने पैसे बचा के ज्ञान पाने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी वीडियोज को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करें। 4 वीक्स का चैलेंज है ये, 1 महीने में आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ते हुए देखोगे, लंबा मोटा घना होते हुए देखोगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, मैं राबिया मिलूंगी आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक ले डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर स्किन, योर हेयर, योर हेल्थ, योर एवरीथिंग। लव यू गाइस, बाय बाय।